अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के इंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल के नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों आज के वीडियो में दोस्तों सबसे पहली जो खबर आ रही है वो साथियों आ रही है एमओपीएच की तरफ से। एमओपीएच की तरफ से बताया गया कि दोस्तों कतर कुवैत की जो हालात है वो काफी ज्यादा बेहतर है और कोरोना वायरस की अपडेट भी वहां पे बताई गई है। तो बताया गया कि 24 घंटे के अंदर सिर्फ वहां पे दोस्तों 21 लोगों कोरोना पॉजिटिव के केसेस को पाए गए हैं। टोटल वहां पे अब तक 4,13,245 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं अब तक वहां पे 24 घंटे के अंदर, एक भी लोगों की मौत नहीं हुई। दोस्तों सबसे अच्छी खबर यह है कि लगभग 2 से 3 हफ्ता हो चुका है अब तक कुवैत में एक भी लोगों की कोरोना से मौत नहीं हुई, ये बहुत ही अच्छी खबर है। टोटल वहां पे 2,465 लोग अब तक कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। वहीं पे दोस्तों बताना चाहूंगा अब तक वहां पे उन्होंने कहा कि कुल वसूली 26 से बढ़कर 4,10,500 हो गई। उन्होंने कहा कि 234 मरीज जो है अभी भी कुवैत में एक्टिव है। तो साथियों मात्र 234 एक्टिव है जो कि सभी गल्फ कंट्रियों के मुकाबले सबसे बेहतर हालात जो है वो कुवैत के हैं। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है वो दोस्तों भारतीय प्रवासी को लेकर आ रही है। साथियों बताना चाहूंगा एक भारतीय प्रवासी को वहां पे मौत हो गई है। अब दोस्तों 5वीं मंजिल पे वो किसी काम से गया था जिसके बाद फिसलने के कारण उसकी वहां पे मौत हो गई है। फिलहाल उसकी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को उसकी बॉडी को भेज दिया गया है और उसमें वहां पे पूछताछ वहां पे चल रही है लोगों से कि आखिर वो फिसल कर कैसे गिरा। अगली जो अपडेट दोस्तों है आपको पता ही होगा साथियों कि अफ्रीका कंट्री में नया जो ओमिक्रॉन नाम का जो दोस्तों एक वहां पे कोरोना वायरस आया जिसके वजह से काफी ज्यादा पूरी दुनिया जो है परेशान है, जिसके वजह से लगभग कुवैत हुकूमत की तरफ से 9 कंट्रियों को बैन लगाया गया, जिनमें से पहला नाम है साउथ अफ्रीका, नबीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, लिस्टोना, एस्टोनिया, जाम्बिया और मालविया। तो इन सभी देशों को फिलहाल कुवैत हुकूमत की तरफ से टेम्पोररी सस्पेंड कर दिया गया। सभी फ्लाइटें जितनी आने वाली थी इन सभी देशों से सभी को टिकट को रद्द कर दिया गया और सभी फ्लाइटों को भी रद्द कर दी गई है अंटिल फर्दर नोटिस तक। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये बातें पता होंगी पर बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है कुवैत में साथियों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ना कुवैती भूमि समुद्री सीमाएं बंद रहेगी। दोस्तों एक अफवाह उड़ रही है वहां पे कुवैत में काफी ज्यादा कि कुवैत में जितने भी हवाई अड्डा है, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर बॉर्डर है, जो जमीनी रास्ते हैं, हवाई रास्ते हैं या फिर समुद्री रास्ते, सभी को बंद कर दिया जाएगा कोरोना वायरस जो नया टाइप का जो आया हो इसके वजह से। पर कुवैत के डीसीए की तरफ से और कुवैत मंत्रालय की तरफ से कुवैत हुकूमत की तरफ से साफ तौर पर ट्वीट करके कल के दिन बता दिया गया कि कोई भी एयरपोर्ट को या समुद्री रास्ते को या जमीनी रास्ते को या कोई भी बॉर्डर को अब क्लोज नहीं किया जाएगा। जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा पर कुछ पाबंदियां थोड़ी एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिले, कुछ थोड़ा सख्ती देखने को मिलने वाला है, बॉर्डर पे भी दिखने वाला है। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए एयरपोर्ट को बंद अब नहीं किया जाएगा। अगली खबर साथियों जो आ रही है वो साथियों कर्मचारियों को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुवैत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे काम करने वाले वर्कर है उनको बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट देना पड़ता है एंट्री के लिए या फिर निकलने के वक्त। तो बहुत सारे वर्कर क्या हो रहे हैं कि जब उन लोगों का ज्यादा दिन हो जाता है, पुराना हो जाते हैं, तो वो लोग अपना फिंगरप्रिंट नहीं लगाते, जल्दबाजी में वो लोग काम आते हैं और चले जाते हैं। पर दोस्तों इसको देखते हुए लगभग वहां पे इस महीने 207 कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी गई है क्योंकि वो लोग पूरा महीना फिंगरप्रिंट लगाए ही नहीं थे। तो दोस्तों सभी से कहा गया है कुवैत हुकूमत की तरफ से और वहां मंत्रालय मिनिस्ट्री की तरफ से, तो जहां पे भी फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो आप लोगों को फिंगरप्रिंट देना है, बायोमेट्रिक अपना देना है क्योंकि उसके बिना आपको अब्सेंट माना जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़।